गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र के चारों अध्यायों का, पूरे पतंजलि योग सूत्र के जो भी अध्याय थे उनको हमने समझने का प्रयास किया था, उसके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। आज इस क्लास में हम पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय, जिसको हम लोगों ने समाधिपाद के रूप में देखा है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मित्रों, हम योग के बारे में जो पिछले क्लास में जैसे जो हमने जानना था उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पतंजलि योग सूत्र, जैसा कि हम जानते हैं, कुल 195 सूत्र हैं, चार अध्यायों में विभक्त था, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। 195 सूत्र, चार अध्याय, जिसको हम महर्षि पतंजलि ने पादों के रूप में वर्णित किया है। आज हम उसके आगे से पहले अध्याय समाधिपाद पे शुरुआत करेंगे। योग के बारे में हमने पहले जाना, योग के कई परिभाषाओं को पिछले जो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, कई परिभाषाओं को हमने जानने का प्रयास किया। योग को समझते हुए जब हम महर्षि पतंजलि को जानने का प्रयास करते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने योग को जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे, अलग अलग तरीकों से लोग योग का वर्णन कर रहे थे, उनको समाहित किया और संग्रहित करते हुए उनको बहुत ही सूत्रों के रूप में बहुत ही सरलता से 195 सूत्रों में पिरो दिया है। आज हम समाधिपाद पर पहुँचे हैं, पहला अध्याय है, पहला पाद है, आरंभ करते हैं। समाधिपाद में शुरुआत करने से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि समाधि क्या है। समाधि, विद्यार्थियों, अष्टांग योग का वर्णन हमें प्राप्त होता है, महर्षि ने उसका वर्णन किया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिरी जो स्थिति थी वो समाधि। पूरा क्रमबद्ध तरीके से महर्षि ने इसको वर्णित किया, समाधि तक ले गए। तो पहला ही अध्याय समाधिपाद ही रखा, ये विचार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये समाधिपाद ही क्यों इन्होंने किया पहला ही अध्याय, जबकि क्रम में जाएंगे अष्टांग योग के तो अष्टांग योग का आठवां और अंतिम अवस्था समाधि है, लेकिन यहाँ उन्होंने पहले ही अध्याय को समाधि वर्णित किया। तो जहाँ तक अनुभव आता है, जो विशेषज्ञ हैं योग के, जो जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है या अपना भी मानना है कि समाधि क्या है। समाधि का वर्णन इसलिए महर्षि ने यहाँ पहले किया है कि जो योग में संलग्न साधक हैं उनको समाधि के बारे में थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो, समाधि को भली प्रकार समझ सके। जब तक आपको अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। आपको जैसे बीए करना है, बीकॉम करना है, एमबीए करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपको आईएएस की तरफ जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपको एक लक्ष्य बना के उस पर ही आपको कार्य करना है। तो महर्षि ने यहाँ समाधिपाद का वर्णन किया इसलिए छात्रों कि हमको प्राप्त हो, हमको ये जानकारी रहे कि हमको योग में अगर हम प्रयत्नशील हैं तो हमको समाधि तक की अवस्था को प्राप्त करना है, वहाँ तक हमको चलना ही है, तभी हम योग को पूर्ण रूपेण जान सकेंगे, योग को प्राप्त कर सकेंगे, जिसको हम अल्टीमेट गोल कह सकते हैं, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ कह सकते हैं, जीवन का चरम लक्ष्य, जिसको हम हमारे यहाँ ग्रंथों में मोक्ष कहा गया, जिसको हमारे यहाँ परम पुरुषार्थ कहा गया, उसकी प्राप्ति इसी समाधि के लिए ही की गई है। इसी समाधि को ही मोक्ष कहा गया, अल्टीमेट गोल कहा गया जीवन का। तो योग एक ऐसी चीज़ है विद्यार्थियों, जो आपके जीवन के
अंतिम लक्ष्य को, जिसके लिए आपको ये जीवन मिला, उसको बताता है। तो इसको जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए समाधि को महर्षि ने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया। हमको इस पे ही, जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं जानेंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पूरा विश्वास है विद्यार्थियों, आज हम पहले ही पाद से शुरू करेंगे, समाधि पाद, जिसका नाम महर्षि पतंजलि ने दिया है। पहला जो सूत्र है, योग के अध्याय के आरंभ में ही योग शास्त्र होने के कारण महर्षि ने योग को परिभाषित करते हुए पहले सूत्र में यह प्रश्न हो उठता ही है, योग क्या है? तो महर्षि ने इसका उत्तर भी देते दिया, स्वयं ही उत्तर दिया। पहला ही सूत्र है, अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम अर्थात योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो योग शास्त्र का आरंभ कैसे होगा, योग का आरंभ कैसे होगा? होता है कि योग एक अनुशासन है, बिना अनुशासन के, बिना अनुशासन में आए योग का आरंभ नहीं होता। तो महर्षि ने पहले ही सूत्र में कह दिया, अथ योग अनुशासन। अब योग शास्त्र को अनुशासित ढंग से प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, यह समझने की आवश्यकता है कि अनुशासित किसे करेंगे आप? एक साधक है, साधना कर रहा है, एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, एक डॉक्टर अपने कार्य को कर रहा है, एक इंजीनियर अपने कार्य को कर रहा है। तो कोई भी कार्य सफल तभी होगा जब अनुशासित रहेंगे। यहाँ ये पतंजलि योग सूत्र जिसको महर्षि ने वर्णित किया, ये योग साधकों के लिए किया, विद्यार्थियों के लिए किया, या जो योग के द्वारा अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, हर जगह ये काम आता है। तो अनुशासन किसे करना है, महर्षि किसके लिए आखिर ये अनुशासन की बातें कर रहे हैं? तो महर्षि ने क्या समाज के लिए अनुशासन लाना है, क्या राष्ट्र के लिए अनुशासन लाना है, या परिवार में अनुशासन लाना है, किसके लिए अनुशासन लाना है? एक साधक किसको अनुशासित करेगा, एकांत में अभ्यास कर रहा है, योग का अभ्यास चल रहा है। तो विद्यार्थियों, ये जानना बहुत आवश्यकता है कि ये अनुशासन स्वयं में ही लाना है। सारा का सारा पतंजलि योग सूत्र स्वयं के लिए है। जब तक आप स्वयं में पूर्ण नहीं होंगे, आप किसी को कुछ देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो महर्षि ने यहाँ अनुशासन उस साधक के लिए प्रयोग किया है, उस साधक को कहा है कि आप अनुशासित होइए और योग साधना में प्रवीण होइए। इस बात का उत्तर महर्षि ने स्वयं, कोई भी साधक योग का आरंभ तो कर सकता है, पर योग की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता। योग हम शुरू कर सकते हैं, योग में चलना शुरू किए, यम नियम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, प्रत्याहार भी कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम अवस्था है जिसको हम समाधि कहते हैं, एक साधक को तभी प्राप्त होगा वो, जो जब वह स्वयं में अनुशासित रहेगा। जब तक आप स्वयं में अनुशासित नहीं रहेंगे, उस योग की अंतिम अवस्था जिसको महर्षि ने अपने पहले ही अध्याय में परिभाषित किया, समाधि पाद, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो इससे आगे जब बढ़ेंगे तो अनुशासित करके क्या करना है, महर्षि ने इसका उत्तर अपने दूसरे सूत्र में दिया है, इसको हम देखेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। दूसरा क्या है, दूसरा सूत्र क्या कहता है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां हैं उन्हीं का निरोध करना है। चित्त की वृत्तियां समझने का प्रयास करेंगे, वृत्तियां क्या हैं। तो हम सभी आप देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि हमारा एक मन है। मन क्या करता है, मन लगातार चलायमान है। आज हमारा मन यहाँ पे मौजूद है, कुछ ही क्षणों में ये कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, कभी ये घर पे चला जाएगा, कभी कहीं घूमने चला जाएगा, कभी किसी को याद करने लगेगा। तो ये मन बहुत चलायमान है, इसमें लगातार तरंगे उठ रही हैं, ये लगातार भटक रहा है, भाग रहा है। यही वृत्तियाँ हैं विद्यार्थियों, इन्हीं वृत्तियों को एकाग्र करना है, इन्हीं वृत्तियों को निरोध कर देना है, निरोध कर लेना है, इनको रोक देना है। जो भी तरंगे उठ रही हैं, जो भी मन चलायमान है, इसको पूर्णतः रोक के एक जगह एकाग्र कर ले जाना है। जब तक इनका निरोध नहीं होगा तो
तब तक महर्षि के अनुसार योग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा ये योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, परिभाषा भी बहुत जगह आप इसको सुनेंगे, योग की बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। महर्षि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्या आगे बढ़ेंगे तो राजयोग है। योग को कई प्रकार हम आजकल देखने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है, राजयोग, हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, जो भी योग हम देख रहे हैं। महर्षि ने अष्टांग योग दिया है, गीता ने ज्ञान योग पे बल दिया, कई ग्रंथों में लय योग, हठ योग का भी प्राप्ति मिल रही है हमको। तो जो भी ये योग है, हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए, ये सभी के सभी मार्ग अलग हैं, लेकिन योग की प्राप्ति, योग क्या है, तो ये सभी उसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की ही बातें करते हैं। जब तक आप अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे सभी ग्रंथ ये कहते हैं कि आपकी योग की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप योग के उस अल्टीमेट गोल को, चरम लक्ष्य को, जिसको समाधि कहा गया, उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मार्ग अलग अलग हैं, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, कर्म योग है, कई योग प्रकार के योग है। सभी, चाहे जिस मार्ग से आप चलेंगे, आपको अल्टीमेटली चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही है। बिना चित्त की वृत्तियों का निरोध किए आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जिसको महर्षि ने समाधि कहा। अष्टांग योग, महर्षि ने अष्टांग योग की बात किया, आप इन अष्टांग योग के मार्ग पे चल के समाधि तक पहुँच सकते हैं। भगवान ने गीता में ज्ञान योग कहा है, राजयोग का भी चर्चा आया है, घेरण संहिता है, हट प्रदीप का है, ये सब हठ योग के ग्रंथ हैं, वशिष्ठ संहिता है, सारे के सारे जो भी प्रक्रियाएं अपना रही हैं, मार्ग अलग है, पहुंचना अल्टीमेटली समाधि तक है। इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले गए, अगर हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले गए तो उसका लाभ क्या होगा। महर्षि ने इसको तीसरे सूत्र में परिभाषित करने का प्रयास किया है, कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले गए, उससे लाभ क्या हुआ, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेने पे क्या होगा, वो जो दृष्टा है, जो अभी देख रहा है, सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है, महर्षि ने इसको दृष्टा किसको कहा ये समझने का प्रयास करेंगे। दृष्टा क्या है, दृष्टा महर्षि ने कहा है कि जो हमारे अंदर चैतन्य है, जो ऊर्जा है, जो उस परम तत्व परमात्मा का एक अंश है, जिसको हम आत्मा के रूप में जनरली जानते हैं, सभी जानते हैं, यहाँ महर्षि ने आत्मा को डिफाइन किया है, आत्मा को उन्होंने स्वीकार किया कि एक चाहे जो जीव है, चाहे जो लोग हैं, उनके अंदर एक अंश है परमात्मा को, वो दृष्टा है। इसी को उन्होंने परिभाषित किया कि वो दृष्टा, अगर हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले जाते हैं तो वो दृष्टा जो है अपने स्वरूप में, अपने रूप की प्राप्ति कर ले जाता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर। यहाँ दृष्टा महर्षि ने किसे कहा है, विचार करने पर हम पाते हैं कि दृष्टा को महर्षि ने आत्मा, चैतन्य, निर्मल परमात्मा के तद्रूप, इवन परमात्मा के समान उन्होंने परिभाषित कर दिया है कि वो जो अंश है, जो चैतन्यता है, जो शरीर में एक ऊर्जा है, वह उस परमात्मा का अंश है। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले जाते हैं तो उस परमात्मा के अंश की, जो अंदर मौजूद है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले जाता है। उसी को इन्होंने तीसरे सूत्र में कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थ, वह दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। परम तत्व का विदित होना, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार होना, योग की उच्चतम अवस्था का प्राप्त होना आदि अनेक नामों से इसको जाना जाता है। इस तीसरे सूत्र में उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि जब हम साधक साधना करते करते समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है, पहुँच जाता है, तो उसको क्या प्राप्ति होती है, तो उस ज्योतिर्मय परमात्मा का जो अंश है, जो स्वरूप है, जो अपने इस शरीर में है, जैसा कि हमको बताया गया, महर्षि ने स्वीकार किया है, हम उसको जान लेते हैं, उसको हम स्वीकार कर पाते हैं। अगर हम
फिर चौथे सूत्र में आगे बढ़ते हैं। चौथे योग की अंतिम अवस्था चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पर दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। लेकिन फिर यहाँ चौथे सूत्र में महर्षि ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर हम योग में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाए, योग निरोध नहीं कर पाए, अभी मार्ग में हैं, चल रहे हैं हम, यम नियम अष्टांग योग पे बढ़ रहे हैं या ज्ञान योग पे बढ़ रहे हैं, कर्म योग पे बढ़ रहे हैं, राजयोग पे, किसी भी क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी अंतिम अवस्था को प्राप्त करना आसान भी नहीं है क्योंकि मन बहुत चलायमान है। गीता में भगवान इस बात को अर्जुन से कहते भी, अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि प्रभु ये मन तो बहुत चलायमान है, वायु से भी तेज चल रहा है, इसको रोक पाना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि गीता में भगवान इन्हीं चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात वहाँ भी की गई। पतंजलि योग सूत्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, हठ योग प्रदीप का, जो भी अपने ग्रंथ हैं, जो भी अपने उपन्यास हैं या योग के जो भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो सभी इस बात को, जैसा कि अपने पहले ही बताया, आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, किसी भी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उपनिषदों को पढ़ लीजिए, वेदों को पढ़ लीजिए, वो सभी इस बात को मानते हैं कि आप योग की परम लक्ष्य को या परम स्थिति को, उच्च अवस्था को तभी प्राप्त करेंगे जब आप अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने में सफल हो पाएंगे। तो गीता में अर्जुन ने भगवान से इस बात को पूछा कि ये मन तो बहुत चलायमान है, इसको कैसे रोका जाए, तो भगवान ने इस बात को वहाँ भी कहा है कि अर्जुन ये मन तो बहुत चलायमान ये मानते हैं, कठिन है, लेकिन इसको रोका जा सकता है अभ्यास के द्वारा। महर्षि पतंजलि भी इस बात को कहते हैं, अभी आगे हम देखेंगे, अभ्यास वैराग्य तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको सफल किया जा सकता है। तो एकदम विद्यार्थियों, हम योग के विद्यार्थी हैं तो हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सौभाग्य की बात है कि हम योग में ही आगे बढ़ना, और सीधे इन ग्रंथों के अपने जो विश्व को प्रदान एक बहुत बड़ी विद्या है उसमें हम अध्ययनरत हैं, कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की और सौभाग्य की बात है हम इस विद्या में आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथी सूत्र में जब हम आते हैं तो यहाँ पे महर्षि ने एक चीज़ बताने का प्रयास किया, अगर हम अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता है, उसमें हम चलायमान है, तब क्या होता है। तो महर्षि कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार की वृत्तियाँ हैं उसी के अनुसार हमारा स्वरूप हो जाता है। अगर हम साधक ना करते हुए आगे बढ़ते रहे तो हमारी वृत्तियाँ क्या होंगी, अपने स्वरूप को प्राप्त होंगी, लेकिन अभी हम मार्ग में हैं, अभी अपनी उस अंतिम अवस्था को नहीं प्राप्त किए हैं, तो जैसी हमारी स्थिति रहेगी, जैसी वृत्ति रहेगी, वैसा ही हमारा स्वरूप होता है। देखिए यहाँ लिखा है वृत्ति सारूप मित्रत, दूसरे समय में जब दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होता तब वो दृष्टा का स्वरूप क्या होता है, दृष्टा का वृत्ति के अनुरूप ही उसका स्वरूप होता है। वो जो दृष्टा है जिसको महर्षि ने परम चैतन्य कहा था, आत्मा कहा था, परम तत्व का अंश कहा या उच्चतम अवस्था कह दिया था, वो क्या होता है, जैसी हमारी वृत्ति रहेगी उसी अवस्था में दृष्टा के रूप में उपस्थित रहता है, इसको हम जानेंगे आगे बढ़ेंगे। महर्षि के अनुसार जैसी वृत्ति है वैसा ही दृष्टा रहता है, और जैसा दृष्टा रहता है वैसा ही साधक का स्वरूप हो जाता है। जैसी वृत्ति का प्रवाह है दृष्टा का स्वरूप भी वैसा ही होता है, ये चौथे सूत्र में महर्षि ने समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं छात्रों, पांचवें सूत्र में हम पहुंच चुके हैं। पांचवें सूत्र में महर्षि ने चित्त की वृत्तियों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ये थोड़ा विषय लंबा हो सकता है, वृत्तियाँ क्या हैं, अभी हम पूरा जोर पहले ही अध्याय में समाधिपाद में महर्षि ने वृत्तियों पे प्रकाश डालना शुरू किया है, क्योंकि वृत्तियाँ क्या है, वृत्तियों का निरोध ही करना था, तो महर्षि ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से डिफाइन किया है। विद्यार्थियों अगर हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे जल्द ही इस पर पूरी तरह समझने में हम सफल हो जाएंगे। तो वृत्तियाँ क्या हैं, महर्षि ने पाँचवें सूत्र में प्रकाश डालते हुए कहा है कि वृत्तयः पंचतया,
वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा। ये जो वृत्तियां हैं पांच प्रकार की हैं और दो रूपों में है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली और पांच प्रकार की होती हैं। वृत्तियों को उन्होंने परिभाषित किया। तो वृत्तियां क्या हैं? पांच प्रकार की हैं और क्लिष्ट और अक्लिष्ट विभक्त हैं। ये वृत्तियां पांच तरह से विभक्त हैं और दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक आपको क्लेशों की तरफ ले जाती है, दूसरा आपको क्लेशों से दूर ले जाती है। क्लेशों की तरफ क्या है? जो आपको भौतिक अवस्थाओं में फंसाएगा, बुरे कर्मों की तरफ ले जाएगा। क्लेशों से दूर क्या है? जो आपको साधन पथ पे ले जाएगा, परमात्म पथ पे ले जाएगा। तो गीता में इस बात को भी हम जब योग शास्त्र गीता में देखते हैं तो वहाँ पे भी भगवान ने इस बात को कहा, हम सबको ये जानने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ पे भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस पूरे संसार में मनुष्य की केवल दो जातियाँ हैं, एक आसुरी संपत्त, दूसरी दैवी संपत्त। तो अगर ऐसी बातें हम सभी जान जाएं तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। विद्यार्थियों, इस संसार में भगवान के अनुसार कुल दो जातियां, एक दैवी संपत्त, दूसरी आसुरी संपत्त। और कुछ ऐसे ही बातें यहाँ महर्षि ने भी बताई कि एक दो ही वृत्तियां हैं। वृत्तियां क्या है? एक मनुष्य हैं, उनके दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं, एक क्लिष्ट हैं एक अक्लिष्ट हैं। एक आपको बुरे कर्मों की तरफ ले जाएगा, एक आपको अच्छे कर्मों की तरफ ले जाएगा। हम सभी भी कभी अपने ऊपर विचार करें तो हमारे अंदर भी मन के दो भाव दिखते हैं। कभी हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत गलत सोचते हैं और कुछ समय बाद ही उसी व्यक्ति को लेकर हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, हमें हरदम पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसा मेरा मानना है, जब तक आप कभी कुछ होता है आपस में तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वृत्तियाँ बदलती रहती हैं। सारी समस्याओं का जड़ ये मन है, इस मन को ही रोक लेना है, इसी पे विचार करते हुए इसका निरोध कर ले जाना है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये संभव है। तो अभी महर्षि ने इस बात को कहा कि दो प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और पांच प्रकार में विभक्त हैं। अब इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, एक एक करके इन वृत्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। अभी छठे सूत्र पर पहुँचते हैं। आज हम अपने छठे सूत्र पे पहुँच कर ही आज, क्योंकि ये वृत्तियाँ जो पांच प्रकार की महर्षि ने बताए हैं इनका अलग अलग डिफाइन किया गया है, तो इसको हम अगले जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इन्हीं छह सूत्रों में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार इसको हम छठे सूत्र को समझ लेते हैं। उसके बाद महर्षि ने अपने छठे सूत्र में इन्हीं क्लेशों के नाम और उनके विषय में जानकारी प्रदान कर दिया है। जो छठा सूत्र है, छठा सूत्र महर्षि कहते हैं वो पांच प्रकार के वृत्तियां क्या हैं उनके बारे में बताया है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन कौन सी वृत्तियां हैं विद्यार्थियों? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और अंतिम स्मृति। ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। यही वृत्तियां इस मन को चलायमान कर रही हैं, इस मन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रही हैं, एक कार्य से दूसरे कार्य में ले जा रही हैं। तो अब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पाँच वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति मन का संचालन करती है। ये जो प्रमाण है, महर्षि कहते हैं ये मन को संचालन कर रही, मन को संचालित इन्हीं वृत्तियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रमाण की बात दूसरा है वृत्ति विपर्य। विपर्य किसे कहते हैं? विपर्य जो मिथ्या ज्ञान है, जो वास्तव में ज्ञान है नहीं। हम लोग पढ़ते भी हैं कि एक अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, क्योंकि स्पर्श तो नहीं हो पा रहा है तो हम उसको सर्प समझ लेते हैं। तो सर्प तो है नहीं, वो वास्तव में एक रस्सी है क्योंकि अंधेरा है। तो ऐसे कई प्रकार होते हैं। तो क्या है? विपर्य है, वो मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान तो है, हमको मिल रही जानकारी, लेकिन वो सही जानकारी नहीं है। तो ये विपर्य है मानसिक दृष्टि में, ये विपर्य है, ये भी एक वृत्ति है। जो चीज़ें सही हैं उसको उस रूप में न लेके हम अनुमान लगा रहे हैं। विकल्प वृत्ति क्या है? अपूर्षेय शब्द, दृष्टा और दृश्य के संयोग से होने वाली
शब्द को बतलाती है, विपर्य और विकल्प। विकल्प क्या होता है? अपौरुषेय शब्द है। दृष्टा और दृश्य का जब संयोग होगा, दृष्टा क्या था अभी हमने जानने का प्रयास किया, तो जो चैतन्य अवस्था है वह आत्मा जो है उसको यहाँ पे दृष्टा महर्षि ने कहा। दृश्य क्या है? जो भौतिक चीज़ें हैं जो हम अपने आँखों से, नाकों से या ज्ञान इंद्रिय जिसको कहेंगे उनसे अनुभव कर रहे हैं, वो दृश्य है। तो इन दोनों के संयोग से उठने वाला जो शब्द है वह विकल्प, उठने वाला दृश्य के संयोग से होने वाले शब्द को बतलाता है, क्या है? विकल्प। निद्रा क्या है? निद्रा जो चौथी वृत्ति है उसको क्या कहा गया? सुप्तावस्था को बतलाती है। ये सभी वृत्तियों की सुप्तावस्था ही निद्रा कही गई है। निद्रा हम लोग जनरली जानते भी हैं, निद्रा में हम लोग सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो यहाँ पे निद्रा को महर्षि ने उसी तरह डिफाइन कर दिया कि निद्रा क्या है? सभी वृत्तियों की सुप्तावस्था है। मान लीजिए प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, ये तभी कार्य करती हैं जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे। जब हम निद्रा अवस्था में चले जाएंगे तो ये सारी वृत्तियाँ अपने आप सुप्तावस्था में चली जाती हैं। तो इसलिए महर्षि ने इसको सुप्त एज इट इज रख दिया है। आखिरी वृत्ति स्मृति है, स्मृति वृत्ति है। महर्षि कहते हैं कि ये जो आखिरी वृत्ति है हमारे संस्कारों को धारण करती है। संस्कारों को धारण करने का अर्थ समझने का प्रयास करें तो संस्कार कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी हम वर्तमान जीवन में जो संस्कार हमारे हैं उसको हमारी स्मृति में धारण कर लेते हैं, और जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे इस जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ये हमारे योग शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले कर्म हैं, जो वर्तमान के कर्म हैं, या जो अभी आगे हो रहे हैं, जो होंगे, उस सारे के सारे संस्कार हमारे इसी स्मृति में संयोजे रहते हैं। स्मृति में हम कभी कभी ध्यान देते हैं कि हमारे बचपन की चीज़ें याद आ जाएंगी, जल्दी भूलने में नहीं आती हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ रहती हैं जो हमारे स्मृति पर धारण कर ली जाती हैं, जो भूलने में नहीं आती। तो इसलिए महर्षि ने इसको स्मृति वृत्ति को यहाँ पर डिफाइन किया है कि ये हमारे संस्कारों को धारण करती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले समाधिपाद के पहले सूत्र से लेके आज छठे सूत्र, जिसको हम वृत्तियों तक, जिसको हम कह सकते हैं कि वृत्तियों को हमने जानने का प्रयास किया, वहाँ तक हमने आज जाना है। इसमें कुल 51 सूत्र है। इसके आगे के सूत्र, सातवां सूत्र जो है प्रमाण से लेके स्मृति तक को डिफाइन किया है महर्षि ने। इसको हम अगले जो हमारा अगला जो वीडियो बनेगा उसमें डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने पहले सूत्र से लेके अथ योग अनुशासनम और जो छठा सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, तो छोटे छोटे सूत्र हैं, हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। महर्षि ने बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में इन सूत्रों के माध्यम से योग को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगले क्लास में इसके आगे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और जल्द ही आपसे 1.7 से लेके और आगे हम जितनी वृत्तियां हैं हमारे, उन सभी पांचों वृत्तियों को अलग अलग डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।